दिनी कैसा कताल हमारी याखिली आबुन सिंह सकलाइनानी फाइ दंगु टीआरपीसी नि बखाक्ति सिंगरो टीआरपीसी नि फैमिली और आसोब लाइजा आनि याग्रागु दंगु टीआरपीसी नि हेड ऑफिस हेड क्वार्टर नि डेपुटी मेनेजर संतोष देवर्मा ते यांग दंगु टीआरपीसी नि ओएसटी कैप्टन जीएस राठीजी ते यांग दंगु सिनी वेस्ट नि डेपुटी मेनेजर अभिजीत राय संगटिनी टीआरपीसी नि बखाक्ति कैसा कताल हमारी याखली को कासा जगनाई कैसे मिशन आ मिशनो साखलाइना बगै लुकुरम शिरोना बगै तीन ओ कगलम पांडा बा प्रेस मीट होने मानो इनके तीन बेलैखे खातंग जगने साल कैसा हिस्ट्रिकल डे होने मानो जे टीआरपीसी बखाक्त सिनी बरक रगनी लाइवलीहुड नो सेंस खैनानी डेवलप खैनानी हमारी गबांग मा जुदा जुदा हमारी तुबुगुई ओ त्रिपुरा हानी हास्त्रीनी कामियाम जाय तंनाय बलं खालंगो तंनाय मानथाय सखथाय मान थगिया खलागि केप्लेगै तंनाय बरकनो हमारी सिं सासारनानि बांगै तिनिनि कायसा मिशन नो सिं साखलायनानि फायो तिनिनि मिशन साखलाय मेनं खा कायसा सिं सासा सिं सासा सिं जतन सायमानो सिं सासानि मिनिं बिसुक बकतर बिसुक बकवार बिसुक बक्राक बिसुक नायथक ते बिसुक बकप्लाय असं सासानि मंगतै कैसे सिनि मिशन तिनिनि सिमि सिं नहार जाखा यागो आसं सासा मिशननि बिसिंतै सिनि कामि कामि आम सायो तंनाय गबां मा केप्लेजा बा मान थगिया तेय बरक बुसकांगो कासै फैमिया आबरक न बरकनि लाइफस्टाइल न सिं सासा खायनानि बांगैनो ओ मिशननि बमुं सिं सासा आसं सासानि मिशनाव गबां मा सामुं खायजाखनाय अबो हाय खायजानो हि कायसा बाय मथाक जागिया दानि खांखे टीआरपीसी नि बनी नहार मंग बनी सामंग बलायखेन कतर कुथोक ते कुवार तानि खांखे ओ टीआरपीसी नि फुल फॉर्म न तंगो त्रिपुरा रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आबनि बागिने ओ प्लांटेशन ते रिहैबिलिटेशन ओ रिहैबिलिटेशन नि बिसिंगो सं गबांग सामंग खायमान लुकरन गबांग मा हमारी सुबागै मान जत डिपार्टमेन्ट नि बखाक्तिनि ओ हमारी न सं टीआरपीसी नि बिसिंते सामंग तांगै मान आबनि बागिने अब हाइक्लाइगे सिनी बरक रगनी लाइवलीहुड न कसं खाइनानि बांगै कप्लाइ खाइनानि बांगै रतनरय तिसानानि बांगैनो कैसे मिशन तिनि सेंजाखा टीआरपीसी नि बखाक्दै अबनि बागै बलाइखेन सिनी जरा कहाम ते कपाल कहाम अति प्रहास्तिनि बांगै कक्तुमा कहाम जे कटाल कैसे मिशन सेंजाखा अ मिशन नि बमं सेंसासा नेके सेंसासा के तो कक बरक पीपल बरक तो सहज इजिली नि बुसिग सेंसासा तानो हो सिंसासा आसके हमारी जेता सिनी ओ सिंसासा हमारी थैफ्लाया जात जतन सिंसारनाय जात आ कसंनि पहर कसंनि हमारी हमारी कप्लाइन सिं तुबै फैनानि बाङै मिशननि बमं सिंसासा गाबनो सिम्पलि बाबे सिं साना थांखां थांके रेडियन्स माने आबनि ताम हसने आबनि जे सिंसामानि जे पहर आबो जतन सिंसारै दंनाय के जे सामं ओ मिशननि बमतै जे सामं तांजानाय बो सिनी बरक रगनी लाइफ नो सिंसारनाय ओ सिंसासा मिशननि बिमुतै बिसिंतै जे सामुं तांजागो बरकनि आरो लाइवलीहुड नो सिंसासा खायनाय आबनि बांगिनि अरनि बिसिनो गोबां मा फायनाय आरो नो ओ सामुं रगनो दालजाखनाय आबनि बांगै सिं तिनि आईआईटी भुवनेश्वर बाय सिं तिनि टीआरपीसीएल कायसा मौ साइन खेलेखा ते आबनि बिसिंतैनि ओ सामुं रगनो पुइला सेंजाग्रानाय आबनि बांगिनि रग नुखना मि आरो गुबुनि रग नुखना सिं कैसा कैसा सामुं कटाल कटाल कतर कतर या फारो नहार तंमानि निरं नुखना कैसा कामिनो सिं मडेल भिलेज खैनानि बांगै थांगै तंगर तामो तामो नां जे आरनि नांमानि न सिं असुं ससा मिशननि बिसिंति ख्लाइजाखनाय आबो तामो तामो नां आबो बेबाक नांमानि न ओ मिशननि बिसिंति के सामुं तांजाखनाय आबनि बागै तिनिनि ओ मिशन कटाल जे सिं ससा मिशन न सिं तिनि अरो साख्लाइजागे लन्च खाइजागे जतन हामबाय गोरोंगै तंदि टीआरपीसी नि सामुं हुमुं ते सिं जे जे जागागो टीआरपीसी नि रं नांजा खां खांखे जे जागाव सिनि मोनाकजा खापार केप्लेजा खापार केप्लेजा कामि गोबां मा सिं मान थगिया सिनि हामारि केप्लेजा अमते है जागारगो सिं तिरुक तिरुक खालायि हामारि तलांनाय जे जागाव सिं न निरग मुसुगनाय एबा सिन थानिगो मानानि नांजाखनाय निरग जोगाजोग खालायदि ते सिं तिरुक तिरुक खालायदि ओहानो पुरा सिं ससा खायनानि बाङैनो सिं दिनैनि अमिशन न डिक्लेयार खाइजागो टे सेंजागो एंका टे कैसारो कक सानानि खालायगो मुदिनि नाहारमानिनो त्रिपुरा हानो सिं ससा खायनानि बाङै ओ त्रिपुरा हानो सांबाय थांबा सारनानि बाङै
अपनी बंगई ओ त्रिप्राहा जेफ्र आत्मनिर्भर रंगना आप देश भी आत्मनिर्भर रंगमाय अपनी बंगई त्रिप्राहा निमिन अमो चेंजागे थाना जे त्रिप्राहा जेफ्र बासागे मानखा आप पूरा देश बासा मानखा हमें जो वन सौने तानी खाके त्रिप्रा जो निश्ल तुसनाई सुगया ते सेरजा गया ते केपलेजा मुदि बनो फाई तब तीसाई दंगो केपलेजा नो जरा कहम रही दंगो आब नो जन बसकांगो कप्लाई खाई मुदि नि हारमानी मिशन टी विजन नो सामना बांगे जन जो तो सकथल आपने बागे मुदि नाइगे त्रिप्राहा सुना फिया जो जन सकथरी अंखे मुदि सैसू बो नाइमा बै जो नाई अंखे ओ हमारी जन तीसई मे खाने आरोप जो लोकल पीपल जे मुदि गवर्नमेंट तब जे साम नाई आपने जो फुल जिन सकथर मानी बीसिंग जो तीसाना नाइए तब और खनाथी हसी जे जो आमसाई बरग्र त्रिप्राहा बरग्र जो तब मा सकथर हमारी गसंग आपने बागे मा कर जे हमारी नाइना आर न हमारी सौना जे हमारी सान्ना आब न हमारी मान्ना आपने बागे दिन जो सासा स्टीम सरी जो सासा मिशन नो जो दिन चेंगे जगह जो टी आर पी सी बखाक्री ओ जो सासा मिशन तंजाने हमें तब आनी वेस्टी बो आब तेकी से ब्रीफिंग खाने जितना खुलूंगा थैंक यू मैम जो आज का जो हमारा दिन है वो एक बड़ा ही एक हिस्टोरिकल दिन है। हिस्टोरिकल दिन तो हमारा टीआरपी सेल में भी स्टार्ट हो चुके हैं और डेली एक नया हिस्टोरिकल दिन होता है और ये भी जो हमारा जो इंडिजिनियस लोग है जो हमारा त्रिपुरा का और इवन जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हमने आज एक स्कीम एक मिशन हमने स्टार्ट किया है चंग ससा जो मैडम अभी जिसके बारे में बता रहे थे जिसका लूजली अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग आता है रेडियंस। तो लोगों के एक जो उनके जीवन है उसके अंदर एक रेडियंस एक ग्लो लेके आना एक एक उम्मीद की किरण लेके आना तो उस चीज़ को चलते हुए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इन एसोसिएशन विद आईआईटी भुवनेश्वर एंड उनका जो फर्स्ट स्टार्टअप है कर्मा दैट इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो ये आपको ज्ञात होगा कि कल हमने एक विलेज को भी अडॉप्ट किया है सलका कामी और उसको हम एक मॉडल विलेज बनाएंगे तो आईआईटी भुवनेश्वर का टीम कल रात को वहाँ पर भी गया था तो उन लोगों ने काफ़ी उस चीज़ के बारे में देखा वहाँ पे एनालाइज़ किया और दूसरे एरियाज़ को भी एनालाइज़ किया। तो उसके तहत हम 1 जनवरी जो आएगा जो अभी 1 जनवरी 2024 तो उस वो हम एक लेके चल रहे हैं तो उससे लोगों की ज़िंदगी में एक रेडियंस एक प्रकाश आना स्टार्ट हो जाएगा चाहे उसमें लाइवलीहुड स्कीम्स हैं चाहे उनके जो विलेजेस हैं उनको मॉडल विलेजेस बनाना है चाहे उसके अंदर हम रिहैबिलिटेशन में जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो हम करेंगे उसमें। और आज उसके लिए स्पेशली जो आईआईटी भुवनेश्वर के जो डीन हैं वो हमारे बीच में आए थे और जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर दिस योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एंड ट्राइबल वेलफेयर टीआरपी पीटीजी श्री शुक्लाचरण नवातिया जी तो उनकी प्रेजेंस के अंदर हमने एक एमओयू भी एग्जीक्यूट किया है। और ये जो एमओयू है बहुत लोग अभी पीछे बहुत लोग बोलेंगे भी कि एमओयू तो बहुत साइन होते हैं लेकिन एमओयू तो सिर्फ पेपर पे होता है उसका क्या वो रियलिटी क्या है। लेकिन हम पेपर से बाहर की बात करते हैं पेपर पे चीज़ें होती हैं फॉर्मेलिटी साइन करने के लिए होती हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में हम कर सकें। तो उसी के तहत जो हमने एक ये एमओयू किया है एक हमने टाइम फ्रेम को एडजस्ट करते हुए किया है कि एक इतने टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों की जो ज़िंदगी है जो उन्होंने अभी तक अपना एक जो एक उनके सपने थे जो साकार नहीं हुए किसी भी कारणवश चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रही हों सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रही हैं तो उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे उनके जीवन में भी उजाला आए उनको भी लाइवलीहुड मिले वो भी मेन स्ट्रीम के को एंजॉय करें। और आज एक चीज़ और है कि जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री हैं भारत सरकार के श्री अमित शाह जी उन्होंने एक बहुत अच्छा एक NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत 50,000 करोड़ रुपीज़ का सेंक्शन दिया है कि जो फिस्कल ईयर जो भी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर उसके अंदर 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और वो 50,000 करोड़ रुपया मैक्सिमम पैक्स और लैंप्स के थ्रू आएगा जो कि डायरेक्ट जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको जाके इम्पैक्ट करता है।
तो ये एक बड़ी खुशी की बात है और हम कोशिश करेंगे कि इस 50,000 करोड़ में से मैक्सिमम हम अपना त्रिपुरा के लिए लेके आए और उसमें से भी एक मैक्सिमम पैसा हमारा TRPCL के माध्यम से और दूसरा जो हमारा स्टेट का कॉपरेशंस है उनके माध्यम से वो लोगों तक पहुँचे, उसका जो डेवलपमेंट है वो लोगों तक पहुँचे, उनकी जो आजीविका है वो उसके अंदर कवर हो, उनको भी सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिले, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और ये एक शुरुआत है हमारा TRPCL के लिए, बिकॉज एक TRPCL एक आप कह सकते हैं डोरमेंट एक उसमें था, कुछ काम होता था लेकिन वो एक एक दो वर्टिकल्स में ही चीज़ें चलती थी, लेकिन अब TRPCL बहुत वाइब्रेंट बॉडी बन गया है एंड स्लोली ग्रेजुअली हम इसके जो पंख हैं उनको त्रिपुरा में हर जगह तक फैला रहे हैं और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक भी लेके जा रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे पास आ रही हैं, कुछ इंटरनेशनल कुछ बॉडीज़ हैं जो दूसरी कंट्रीज़ की से आ रही हैं, कुछ यूरोपियन यूनियन से, कुछ US से, कुछ मिडल ईस्ट से, जो काफ़ी क्लोजली निट हम लोगों के साथ अभी टच में हैं, जो TRPCL के साथ और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ मिलके काम करना चाहती हैं, लोगों की जो ज़िंदगी उनको बदलना चाहती हैं। तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी इस टाइप की एसोसिएशन देखने को मिलेंगी और ग्राउंड पे आप लोगों को चेंज नज़र आएगा, ये सिर्फ बातों में नहीं, ग्राउंड पे आप लोगों को चेंज नज़र आएगा। भारत सरकार प्रतिबद्ध है लोगों की मदद करने के लिए। इंडियन, मैं कल भी बता रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के पास मोर देन 750 स्कीम्स हैं जो कि लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए हैं। तो एक बहुत ज़रूरी है कि हम उन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं और उन स्कीम्स के माध्यम से जो लोगों की ज़िंदगी है उसको हम बदलें, ताकि यहाँ पर भी जो लोग हैं उनको भी एक डेवलपमेंट का टेस्ट मिले, उनको भी पता चले कि डेवलपमेंट क्या होता है, उनके भी जो सपने हैं वो साकार हों, उनको सिर्फ ये ना हो कि कोई पॉलिटिकल आउटफिट सिर्फ उनको यूज़ कर रहा है झंडा उठाने के अंदर और या फिर उनको किसी मास गैदरिंग के अंदर या किसी रैली में लेके जाने के लिए। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस चीज़ से हटके लोगों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट को रिलीज़ करते हैं, अब उन चीज़ों को पकड़ना और उन चीज़ों को आम जन तक पहुँचाना, वो TRPCL और TRPCL जैसी दो दूसरी जो एंटिटीज़ हैं जो ग्रास रूट के लिए काम करने के लिए बनी है उनका काम है अभी। तो इसमें हम सभी लोग मिलके काम करेंगे, जो हमारे दूसरे कॉरपोरेशंस हैं स्टेट के हम उनके साथ भी एसोसिएशन करेंगे। बहुत जल्दी कल से हमारे कुछ मीटिंग स्टार्ट होने वाली हैं जिसके अंदर हम उन लोगों के साथ अभी मीटिंग करेंगे और हम इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी लेके चलेंगे लोगों के बीच में। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारी जो चेयरपर्सन है मैडम पातल कन्या जमातिया जी और हमारा एंटायर जो हमारी TRPCL फैमिली है कि वो इतना पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चल रहे हैं और उनको उनका सिर्फ एक गोल है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा जो स्टेट है वो भी एक विश्व पटल के ऊपर और राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जाना जाए, उसकी भी एक आइडेंटिटी हो, तो वो आइडेंटिटी जब ही क्रिएट होगी जब हम एक अच्छी एक सच्ची भावना से और साफ नीयत से हम लोगों के लिए काम करेंगे। और जो कि मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो आदरणीय चेयरपर्सन है MOS मैडम पातल कन्या जमातिया जी वो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, वो इसके लिए कमिटेड हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी बदलनी चाहिए। और मुझे यकीन है और हमारे पूरे TRPCL फैमिली को, हम एक टीम है पूरा TRPCL फैमिली, ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ कोई नीचे है कोई बड़ा आदमी, ऐसा नहीं है, हम ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से ऊपर तक एक हम एक कुनबे की तरह हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं जो कि एक डेवलपमेंट की तरफ ओरिएंटेड है। और हमने ये वचन लिया और हम करके दिखाएंगे। और थैंक यू वेरी मच बेला बेला के हम भाई नदी अब कैसे कैसे टपिक कैसे सब्जेक्ट दिया संसार जत्न हाबना और जी सी बड़क लाइवलीहुड जे नांगमानी आ संसार मिशन जो तत्व बुजाने जन तबक नुगुद सी TRPCL खाती रबर प्लांटेशन खाई जो सिब फेबा आं फाइमानी पर जो नुखाता प्लांटेशन जो बिरीज प्लांटेशन खाई दंखा
आरो जगह तब ओसा मिशन ओंखा खाके नट ओनली प्लांटेशन बड़ोरनी लाइवलीहुड नो चेन्स खाने बंगे बड़ोरनी लाइफ नो टेप डेवलप खाने बंगे और तमा तमान नांग अब जत्न दाजाई जेमन चंग्रमी बड़क आसई फैखे बनी टंगजाई चाजाई सूनजाई जो रुटी कपड़ा मकान रही हमना अब जत्न नांग बड़कनी जंगसा सा लाइफ इनके जंगसा सिशन अमोहन तबनाई बड़ी साम नुमी बगे तम तबजाई नाबो तबजाई ते बड़ी तमें नक टाइ टाई बगे तम आरोप याग्रजाई कई मंग बर मंगनी विशिंगे बहाके हमारी तबनाई आरो बहाने जो याग्रजाई ओ संसा कुनो कैसा एजेंडा कुनो कैसा टॉपिक या कुनो कैसा सब्जेक्ट या आरो ऑल इन ऑल जेस बड़क रोनी लाइवलीहुड नांगमानो जेस जो मानसा आबनी बिशिंती खलाइजाकनाय आबनी बागै पार्टिकुलर कुनो लिमिटेड या मो टीआरपीसी खुद टीआरपीसी नि बिशिंती खलाइनाय जतन हमबाय